hello students welcome back to neat exam crib क्या हाल चाल है आप सभी के पढ़ाई कैसी चल रही है आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मियोसिस के लेक्चर नंबर फाइव की तो मियोसिस के लेक्चर नंबर फोर में हम लोगों ने कवर किया था मेटाफेज़ वन एनाफेज़ वन एंड एना टेलोफेज़ वन, वन जहाँ पर हमारी कैरियोकाइनासिस हो गई थी ख़त्म उसके बाद हमने देखा था साइटोकाइनसिस एंड देन उसके बाद आता है मियोसिस टू शुरू होने से पहले इंटरकाइनिस ठीक है तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंटरकाइनिस और इंटर इंट्रामीओटिक इंटरफेस क्या होता है So, देखिए पहली बात तो जो मियोसिस वन है मियोसिस वन से जो मियोसिस टू होती है शुरू होने के बीच में एक फेज आता है उस फेज को क्या बोला जाता है इंटरकाइनेसिस जो ऊपर नाम लिखा है इंटरकाइनेसिस इंटरकाइनेसिस क्यों बोल रहे हैं बिकॉज इट इज बेसिकली अ फेज बिटवीन टू कैरियोकाइनेसिस टू डिजन काइनेसिस मतलब डिवीजन तो इट इज अ फेज बिटवीन टू डिवीजन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक मियोसिस वन डिवीजन हो गया एक मियोसिस टू डिवीजन हो गया तो दो डिवीजन के बीच का फेज है इसलिए इंटरकाइनसिस दूसरी चीज इसको एक और बोलते हैं है ना ऊपर लिखा है इंट्रा मियोटिक इंटरफेस अब मेन चीज तो ये है समझने वाली इंट्रा मतलब विद इन तो मियोसिस ही चल रही है पूरी ये पूरा मियोसिस वन मियोसिस टू एक मियोसिस ही है दो मियोसिस नहीं है तो इसलिए विदिन हो गया मियोटिक मतलब मीओसिस विदिन एक ही मियोसिस के अंदर आएगा ये और इंटरफेस क्यों बोलते हैं बिकॉज ये भी एक रेस्टिंग फेज है सेल यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करता है और कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर जो होती हैं वो इंटरफेस जैसी सिमिलर होती हैं नॉट ऑल थिंग्स बट फ्यू थिंग्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ इंटरफेस दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज इंट्रामीओटिक इंटरफेस सो इंट्रामीओटिक मतलब विद इन सेम मियोसिस कोई अलग नहीं है ये है ना उसी मियोसिस के अंदर बीच में गैप आएगा तो सबसे पहली चीज जो आपको यहां पर याद रखनी है कि इंट्रोकाइनसिस की डेफिनेशन क्या होती है सो so, इंट्रोकाइनिस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं इंटरकाइनेसिस की मैं आपको दो डेफिनेशन बताती हूँ फर्स्ट इज टाइम इंटरवल बिटवीन इंटरवल बिटवीन मियोसिस वन एंड मियोसिस टू बोल सकते हैं ना बेटा मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच का जो टाइम है दैट इज इंटरकाइनेसिस ठीक है और आप एक और डेफिनेशन बोल सकते हो टाइम इंटरवल बिटवीन टीलो फेज वन एंड प्रोफेज टू टीलो फेज वन है मियोसिस वन का टीलो फेज किसका है मियोसिस वन का तो मियोसिस वन का जो टीलोफेज फेज होगा और मियोसिस टू का जो प्रोफेज टू शुरू होगा उसके बीच का जो फेज़ होता है दैट इज़ इंटरकाइनेसिस बिल्कुल बोला जा सकता है अब आप बोलोगे बीच पे तो साइटोकाइनेसिस आती है जैसे ही टीलो फेज़ वन ख़त्म होता है बेटा साइटोकाइनेसिस हमेशा नहीं होती है ठीक है मैंने इस पर वीडियो बना रखी है आप लास्ट वीडियो जाकर देख सकते हो अच्छी क्लैरिटी के लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आपको प्रीवियस वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी तभी आपको ये समझ आएगा ठीक है ना सो इन मियोसिस के और जो मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच में साइटोकाइनेसिस इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि होगी ही होगी वो हो भी सकती है नहीं तो नहीं भी हो सकती ठीक है तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी बेसिकली ठीक है दूसरी चीज़ जो इंटरकाइनेसिस है इट इज़ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन का होता है ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता स्मॉल ड्यूरेशन का होता है जबकि आपने जो इंटरफेस पढ़ा है जो हमेशा साइकिल स्टार्ट होते ही आता है वो कैसा होता है लॉन्ग ड्यूरेशन का है ना तो इंटरफेस जैसा है ये बट इसके सारे फीचर्स इंटरफेस जैसे नहीं है तो इंटरकाइनेसिस कैसा है स्मॉल ड्यूरेशन ठीक है वेयर एज इंटरफेस कैसा होता है लॉन्ग ड्यूरेशन का ठीक है ना राइट right? दूसरी चीज ये हम आगे डिफरेंसेस के फॉर्म में देख लेंगे देखो एक और चीज़ लिख लो यहाँ पे कोई भी चीज़ शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है स्मॉल ड्यूरेशन की होती है उसको शॉर्ट लिव्ड भी बोलते हैं बायो में कोई भी चीज़ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है दैट इज शॉर्ट लिव्ड नेक्स्ट हम लोग आगे और डिफरेंसेस देख लेते हैं सो सेकेंड इज कि इंटरकाइनेसिस के अंदर जो क्रोमोजोम्स हैं वो एलोंगेट होते हैं बट वो इतने ज़्यादा डीकंडस नहीं होंगे कि वो क्रोमेटिन बना दे ये आपको हमने पहले भी पढ़ा है कि क्रोमोजोम्स एलोंगेट जरूर होते हैं बट डो नॉट फॉम क्रोमैटिन मतलब बहुत ज्यादा कंड डेंसेशन नहीं होती है इंटरकाइनिस में अगर प्रॉपरली डी कंडेशन हो गई क्रोमोजोम सारे क्रोमोजोम से अगर क्रोमैटिन बना दिया तो जैसे ही ये मीओसिस टू में जाएगा प्रोफेस टू आएगा उसमें वापस से इनको कंडेंसेशन करनी पड़ेगी तो वही चीज़ दोबारा करनी पड़ेगी उसमें मेहनत लगानी पड़ेगी एनर्जी लगानी पड़ेगी तो इसीलिए इंटरकाइनिस क्या करता है थोड़ा सा क्रोमोसोम्स को खोलना ज़रूर शुरू कर देता है बट उनको पूरी तरह से क्रोमैटिन में कन्वर्ट नहीं करता है ठीक है सो क्या होगा ना कि जो क्रोमोजोम्स हैं अभी यहाँ प्रॉपर हैं ये थोड़ा बहुत धीरे धीरे खोलना शुरू हो जाएंगे बट दे विल नॉट फॉर्म दी क्रोमैटिन मतलब ये पूरी तरह से क्रोमैटिन में कन्वर्ट नहीं होंगे दिस इज टिन दिस इज क्रोमोजोम है ना तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रॉपर डी कम्पोजिशन नहीं है प्रॉपर क्रोमैटिन नहीं बनेगा क्योंकि ये आगे प्रोसेस टू में वापस क्रोमैटिन से क्रोमोजोम बनाना है तो इसीलिए सेल अब इतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करता हल्का हल्का इलोंगेट जरूर हो जाएंगे नेक्स्ट थिंग कि यहां पर कोई डी एन नहीं होती नो रेप्लीकेशन इंटरकाइनसिस इंटरफेज जैसा जरूर है बट यहां पर डीएनए रेप्लीकेशन नहीं हो रही है जो कि इंटरफेज में होती थी एस फेज के अंदर पर यहां पर नहीं होगी ठीक है सेकेंड थिंग यहां पर डीएनएर रेप्लीकेशन भी नहीं है और ना ही हिस्टोन सिंथेसिस है इंटरफेज में होती थी है हाँ ना तो अब आप बोलोगे हिस्टोन क्यों नहीं बन रहे हैं अरे आप खुद ही देखिए जब डीएनए ही डबल नहीं हुआ डीएनए की ही रेप्लीकेशन नहीं हुई तो हिस्टोन्स को बनाने की क्या जरूरत है हिस्टोन डीएनए को ही तो पैक करते हैं अगर डीएनए ही उतना है डीएनए में कोई चेंज ही नहीं आया है देन वाई देर इज नीड टू डुप्लीकेट हिस्टोन्स है हाँ ना पॉइंट है ना तो ये चीज आपको याद रखनी है सेकेंड थिंग कि सेंट्रियोल्स यहाँ पर डुप्लीकेट होंगे ठीक है इन एनिमल सेल अगर एनिमल सेल में पूछा जाए तो बोलना है प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल्स होते ही नहीं है तो वहाँ पर अगर ये पूछा जाएगा कि प्लांट सेल के अंदर इंटरकाइनेसिस के अंदर सेंट्रियोल डुप्लीकेट होंगे तो वहाँ पर आपको बोलना है नो ठीक है ना तो ये एनिमल्स में अगर पूछेंगे तभी ठीक है और सेंट्रियाल की डुप्लीकेशन कहाँ होती है साइटोप्लाज्म में तो अगर आपने इंटरफेज अच्छे से पढ़ा है ठीक है इंटरफेज़ अच्छे से पढ़ा है तो उसमें आपको पता होगा डी एन ए भी होती है हिस्टोन सिंथेसिस भी होती है सेंट्रियल डुप्लीकेशन भी होती है एस फेज़ के अंदर ठीक है, है और एस फेज़ में डी और हिस्टोन बनते हैं न्यूक्लियस में वहाँ पर डुप्लीकेट होते हैं और सेंट्रियल डुप्लीकेट होता है साइड्रोप्लाजम में बट ये इंटरकाइनिस के अंदर डी एन ए नहीं होगी हिस्टोन नहीं बनेंगे पर सेंट्रियल डुप्लीकेट ज़रूर होंगे क्योंकि उनको जाना है मियोसिस टू में तो उस टाइम पर सेंट्रियअल होने चाहिए सेल में दो ठीक है नेक्स्ट है कि आर सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस चलेगी वो तो होगी सिंथेसिस आकर क्योंकि वो मियोसिस टू में चाहिए दे आर रिक्वायर्ड इन मियोसिस टू तो वो बनेंगे बट डीएनए एन एप्लीकेशन नहीं होगी और हिस्टोन की सिंथेसिस नहीं होगी ठीक है तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इंटरकाइनेसिस के बारे में अब मैं आपको इंटरकाइनेसिस और एक बार इंटरफेज में दो चार डिफरेंसेस भी बता देती हूँ यहीं पर क्योंकि कई बार वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है सो so, हम वैसे तो देख ही चुके हैं इंटरकाइनेसिस एंड इंटरफेज इसमें कन्फ्यूज मत होना बिल्कुल भी ठीक है मैं आपको यहाँ पर डिफरेंसिस भी बता रही हूँ साथ में सो so, सबसे पहला डिफरेंस देखो इंटरकाइनेसिस कैसा था शॉर्ट लिव्ड शॉर्ट ड्यूरेशन का जबकि ये कैसा होता है लॉन्ग लिव्ड सबसे पहला डिफरेंस तो मिल गया है ना सेकेंड यहां पर क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन होती है सॉरी यहां डीएनए रेप्लीकेशन मतलब ये कट नहीं करना है ये रहने दो डीएनए रेप्लीकेशन नहीं होती जबकि यहां पर डीएनए रेप्लीकेशन होती है न्यूक्लियस में ठीक है होगी थर्ड यहाँ पे हिस्टोन सिंथेसिस भी नहीं हो रही है हमने अभी ऊपर देखा है हिस्टोन सिंथेसिस भी नहीं है जबकि यहाँ पर हिस्टोन्स भी बन रहे हैं वो भी कहाँ है न्यूक्लियस में ठीक है यहाँ पर सेंट्रियॉल डुप्लीकेट होते हैं वो हम देख देख चुके हैं सेंट्रियाल तो डबल होंगे साइटोप्लाज्म में है ना यहाँ पर वो भी होते हैं तो ये एक सिमिलैरिटी आ गई बेसिकली सेंट्री और डुप्लीकेट ये साइटोप्लाज्म में ये तो सेम है ठीक है और ये दोनों चीज़ें कहाँ होती हैं ये ये होती है एस फेज में यहाँ पे ये होता ही नहीं है ना डीएनए एन एप्लीकेशन है ना ही स्टोन है बट सेंट्री डुप्लीकेट हो रहा है वो भी एनिमल सेल में प्लांट्स में नहीं क्योंकि प्लांट में होता ही नहीं है इधर भी एनिमल सेल में सो so, ये सारी इन्फॉर्मेशन है इंटरकायनिस के बारे में इसकी जस्ट बाद जैसे ही इंटरकायनिस खत्म होगा आगे क्या स्टार्ट हो जाएगा मियोसिस टू ठीक है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है इस आगे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मियोसिस टू को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ठीक है तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए अगर आपको कोई भी क्वेरी है कोई भी चीज़ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या बता सकते हैं कोई भी चीज़ आपको नई चीज़ बतानी है तो ठीक है नेक्स्ट चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अगर आप चाहते हो मैं मीओसिस पे कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँ आऊँ तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इस चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री नीट रिलेटेड वीडियोज़ मिलती हैं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक पढ़ते रहिए अपना ख्याल रखिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टे ब्लेस स्टे हैप्पी